आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप एपीके वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। मतलब सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि डोमेन होस्टिंग कैसे लेंगे, वर्डप्रेस साइट को कैसे लॉन्च करेंगे, देन थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, वेबसाइट को कैसे डिजाइन करेंगे, उसे कम्प्लीटली कस्टमाइज करेंगे, एंड इवन हम अपना फर्स्ट आर्टिकल एपीके आर्टिकल पब्लिश करके देखेंगे कैसे आप पब्लिश कर सकते हैं, डाउनलोड लिंक्स कैसे देंगे, फाइल को कैसे होस्ट करेंगे, बटन्स कैसे लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक प्रैक्टिकल गाइड लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट आप एक एपीके साइट को कैसे सेटअप कर सकते हैं एस्ट्रा या जनरेट प्रेस थीम को यूज़ करते हुए। आज हम एस्ट्रा प्रो को यूज़ करेंगे जो कि एक बहुत ही कमाल का थीम है और ब्लॉगर्स इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक प्रीमियम वर्डप्रेस थीम है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। सेम तरीका जनरेट प्रेस का भी होगा और आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर भी है। और ऑफर यह है कि अगर आप ड्रीम होस्ट के साथ अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो हम आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, यही एपीके वेबसाइट। और ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो आप ये वीडियो देख के खुद अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी ही स्टार्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टॉप में ड्रीम होस्ट का, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। इस लिंक को यूज करते हुए आपने होस्टिंग बाय करनी है और हम आपके लिए कंप्लीट एपीके वेबसाइट सेटअप करेंगे या फिर कोई भी और वेबसाइट, और करेंगे हम एस्ट्रा प्रो थीम को यूज करते हुए या फिर जनरेट प्रेस का जो प्रीमियम वर्जन है उसको यूज करते हुए। ये है एस्ट्रा प्रो जो हम आपको देंगे अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं, जो कि $239 में आपको मिलता है और बहुत ही कमाल का थीम है एस्ट्रा प्रो। और ये है जनरेट प्रेस, या फिर इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हम आपको वेबसाइट बना के देंगे जो कि $59 में 1 ईयर ऑफ अपडेट्स, $249 में लाइफ टाइम अपडेट्स। तो ये थीम भी आपको मिल सकता है अगर आप अभी स्टार्ट लेते हैं ड्रीम होस्ट के साथ। इन दोनों थीम्स में से कोई भी अगर आपको पसंद है तो उसके ऊपर हम आपको वेबसाइट कंप्लीट सेटअप करके देंगे, यानी हम आपकी साइट लॉन्च करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर और उसके ऊपर थीम इंस्टॉल करेंगे, उसे कस्टमाइज करेंगे, आपका लोगो भी लगाएंगे, लोगो भी हमारी तरफ से होगा, फुल कस्टमाइजेशन और एक रेडी डिजाइंड वेबसाइट हम आपको देंगे। और ये है हमारी तरफ से। अब होस्टिंग आपको क्या दे रही है, यानी ड्रीम होस्ट आपको क्या दे रही है, एक तो होस्टिंग मिलेगी, फ्री SSL आपको मिलेगा, फ्री डोमेन भी आपको मिलेगा, फर्स्ट ईयर के लिए आपको डोमेन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी इस लिंक के ऊपर जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी टॉप में ये लिंक होगा, उस पर क्लिक करें और होस्टिंग बाय करें और हमें मेल करें हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर और बाकी सब कुछ हम संभालेंगे और ये एक APK वेबसाइट आपको सेटअप करके देंगे, आप डायरेक्टली उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो बिल्कुल बाय करने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक कंप्लीट APK वेबसाइट आप सेटअप कर सकते हैं एस्ट्रा प्रो थीम को यूज करते हुए, हम ये करने वाले हैं। चलें सबसे पहले आप ये देखें प्रोसेस एक के ड्रीम होस्ट के साथ अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो कैसे स्टार्ट लेंगे और अपनी डोमेन को कनेक्ट करके वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये अब आप पूरा प्रोसेस पहले देखें, उसके बाद हम आगे डिजाइनिंग का प्रोसेस देखते हैं। ड्रीम होस्ट का प्लान आप ले सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है आपको। स्टार्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं $295 per month एक वेबसाइट आप बना सकते हैं, अगर बिगनर हैं तो आप एक ही बनाएंगे तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप यहाँ से शेड अनलिमिटेड करते हैं तो फिर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं फॉर जस्ट $295, रेट सेम ही है, बस शेड अनलिमिटेड लेंगे तो अनलिमिटेड वेबसाइट्स, फ्री डोमेन, बैंडविड्थ, ये सब कुछ आपको मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पसंद आई है ड्रीम होस्ट, आप इसके साथ जाना चाहते हैं, सिंपली आपने नीचे आना है और साइन अप करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं चूज अ डोमेन लेटर, दैट्स इट। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो शेड अनलिमिटेड प्लान आपको ईयरली पड़ रहा है $295 per month और कुछ भी नहीं है, और टोटल $38 per year आपके बन जाएंगे। अगर आप इसको भी हटा दें ड्रीम शील्ड तो $35। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये पूरी कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आप जिस कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, ऐड क्रेडिट कार्ड कर देना है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, बाकी कुछ भी नहीं करना और आप क्लिक करेंगे सबमिट ऑर्डर। अब नेमचीप के डोमेन को कनेक्ट करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे वेबसाइट्स के अंदर, मैनेज वेबसाइट्स, मैनेज वेबसाइट करने के बाद यहाँ पे मेरी सारी वेबसाइट्स आ गई। अब मुझे क्लिक करना है ऐड वेबसाइट। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, एंटर डोमेन यू ऑलरेडी ओन, डोमेन ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे अपना डोमेन एंटर करूंगा। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ navidhasan.com, ये मैं आज इस वीडियो में यूज करूंगा डोमेन, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
और ये अवेलेबिलिटी चेक करेगा। तो आप यहाँ पे मुझे टिक करना है यस आई एम द ओनर ऑफ दिस डोमेन, एंड देन राइट हैंड साइड पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप है होस्टिंग का, तो नेक्स्ट होस्टिंग। उसके बाद मेरा जो होस्टिंग प्लान है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा, शेयर्ड होस्टिंग सेलेक्ट करते हैं, एंड मैं यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट। देन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, और उसके बाद ये दोनों ऑप्शंस को मैं अनटिक कर देता हूँ, हमें जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेटअप वेबसाइट, एंड दैट्स इट। हमने डोमेन भी कनेक्ट कर लिया और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया। कितने सिंपल तरीके से हमने वर्डप्रेस यहाँ पे ड्रीम होस्ट के अंदर इंस्टॉल किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग जब खत्म हो जाएगी तो वर्डप्रेस कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब अगर ड्रीम होस्ट से आप होस्टिंग लेते हैं तो आपको डोमेन तो फ्री मिल जाती है, लिहाजा आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। उसी डोमेन के ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ड्रीम होस्ट के अंदर, और आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन मेरी डोमेन जो है वो नेमचीप के ऊपर है, तो अब मुझे नेमचीप की डोमेन को ड्रीम होस्ट की होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। अब देखते हैं कि वो कैसे होगा। एक और काम हमने करना है कि हमने वेरीफाई करना है अपना डोमेन, क्योंकि हमारा डोमेन था नेमचीप के ऊपर। तो मैं चलता हूँ डोमेन्स के अंदर, मैनेज डोमेन्स, तो यहाँ पे मेरे सारे डोमेन शो हो रहे हैं, और इसी के अंदर यहाँ पे navidhasan.com भी है जिसको आज हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ DNS, और ये हैं जी हमारे DNS। करंटली हम यूज़ कर रहे हैं नेमचीप के DNS, हमें यूज़ करने हैं ड्रीम होस्ट के। आपने होस्टिंगर के करने हैं अगर आप होस्टिंगर बाय की है, तो मैं अब फर्स्ट को कॉपी करूंगा और मैं नेमचीप के अंदर आऊंगा अपने डोमेन के ऊपर। अब ये है नेमचीप और ये मेरी डोमेन लिस्ट है, इसके अंदर टॉप में navidhasan.com यहाँ पे अवेलेबल है, इसे मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ। और डोमेन के अंदर मैं सेटिंग्स के अंदर आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा नेमचीप पे क्लिक करते हैं कस्टम DNS। फर्स्ट मैं जो ड्रीम होस्ट का नेम सर्वर है उससे पेस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पे सेकंड। ये सारे ड्रीम होस्ट के नेम सर्वर्स हैं ns1.dreamhost.com, ns2.dreamhost.com, ns3.dreamhost.com। तो मैंने तीनों ड्रीम होस्ट के DNS सर्वर्स यहाँ पे डाल दिए हैं, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टिक के ऊपर, एंड दैट्स इट। मेरा काम अब हो गया खत्म। अब ऑटोमेटिकली ड्रीम होस्ट मेरी इस डोमेन को वेरीफाई कर लेगा, और अब हमारी साइट रेडी हो चुकी है डिजाइन के लिए। अब हमें वर्डप्रेस को एक्सेस करना है। ओके, फाइनली हमारी डोमेन भी कनेक्ट हो गई और हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अब आप अपनी डोमेन यानी yoursite.com/wp-admin में जाके अपने वर्डप्रेस को लॉग इन करेंगे, और आप आ जाएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। अब स्टार्ट होता है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस कि हम वेबसाइट को कैसे डिजाइन करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। तो अब स्टेप वन के हमें थीम इंस्टॉल करना है, एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करते हैं आप जल्दी से। यहाँ पे मैं अपियरेंस में जाऊंगा, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मैं हूँ, और थीम्स में मैं क्लिक करूंगा, एंड मैं थीम्स के अंदर आ चुका हूँ। आई जस्ट क्लिक ऑन एड न्यू, एंड अब मैं थीम्स रिपोजिटरी के अंदर आ चुका हूँ, और मुझे यहाँ से एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है। ये याद रखें आप कि एस्ट्रा फ्री अगर आप यूज करें, उसी के ऊपर आप एक उनका एड ऑन इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी प्रीमियम फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। उसका कोई अलग से वो आपको थीम नहीं देते, आपको फ्री वर्जन ही यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रा लिखूंगा सर्च बार के अंदर, और बड़ा ही मशहूर थीम है और बहुत ही पॉपुलर है। मैं यहाँ पे एस्ट्रा को इंस्टॉल करता हूँ, एंड आई विल एक्टिवेट दिस थीम। मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, एंड मेरे पास थीम एक्टिवेट होगी। बाकी ये जो एक्स्ट्रा थीम है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमेशा आपने एक ही थीम रखनी होती है, अदरवाइज कुछ सिक्योरिटी के मसले होते हैं आपको अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा थीम्स यहाँ पे रखते हैं। अब एक्स्ट्रा हमारे पास इंस्टॉल हो गई। अब इसका प्रीमियम वर्जन एक्टिवेट करने के लिए हमें इसका जो प्रीमियम प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे प्लगइन्स में आऊँगा, ऐड न्यू करूँगा, एंड हम प्लगइन्स के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अपलोड प्लगइन, और यहाँ से चूज़ फाइल, और मेरे पास यहाँ पे हमारे प्लगइन की एक फ़ाइल मौजूद है, इसी को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्टॉल नाउ। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे एक्टिवेट, एंड एस्ट्रा प्रो का जो प्लगइन है वो हमारे पास एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लीज़ एक्टिवेट कॉपी ऑफ एस्ट्रा प्रो, हम यहाँ पे करते हैं एक्टिवेट। हम आ जाएंगे यहाँ पे एस्ट्रा ऑप्शंस के अंदर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें तो आपको बोल रहा है कि आप अपनी लाइसेंस की एंटर करें, तो मेरे पास मेरी लाइसेंस की मौजूद है, वो मैं यहाँ पे इसमें पेस्ट करूँगा। मैंने अपनी लाइसेंस की एंटर की, और मैं करता हूँ एक्टिवेट लाइसेंस। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो सक्सेसफुली हमारा जो प्रीमियम वर्जन है एस्ट्रा प्रो का वो एक्टिव हो चुका है। अब नीचे आते हैं, और ये हैं इसके प्रीमियम फीचर्स, कलर बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, ब्लॉक प्रो, नेविगेशन। तो ये सारे फीचर्स मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्टिवेट ऑल, एंड अब ये एक्टिवेट हो चुके हैं। और नीचे आके ये कुछ एक्सटेंड एस्ट्रा विद फ्री प्लगइन्स,
तो ये कुछ इसके फ्री प्लगइन्स हैं, इनको भी अगर आप इंस्टॉल कर दें तो थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, तो बस हमारी प्रीमियम थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, स्टेप वन हमारा हो गया है कम्प्लीट। अब हम चलते हैं स्टेप टू के ऊपर और हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करते हैं और कैटेगरीज क्रिएट करते हैं और एक मेन्यू अपना बनाते हैं। देन हम मूव करेंगे लोगो और लोगो भी हम प्लेस करेंगे। देन हम थोड़ी थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे और देन हम फाइनल अपना आर्टिकल भी पब्लिश करेंगे। तो अब चलते हैं और हम अपनी कुछ कैटेगरीज और कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा पेजेस के अंदर और ऑल पेजेस में आएंगे। अब यहाँ पे कुछ पेजेस मौजूद हैं, सैम्पल पेज जो है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मौजूद है, मैं इसको क्विक एडिट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। एक पेज हमारे पास बन गया, अब हमें दो तीन और पेजेस बनाने हैं। फर्स्ट एड न्यू पे करते हैं और मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ अबाउट का। यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, फिलहाल मैं कुछ नहीं दे रहा, एंड दैट्स इट। हम यहाँ पे कर देते हैं पब्लिश और ये पेज हो गया पब्लिश। सेम इसी तरह से मैं डिस्क्लेमर का, टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट का पेज भी बना लूंगा। ओके, तो यहाँ देखें तो मेरे सारे पेजेस जो हैं वो बन चुके हैं। अब कुछ कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज में आता हूँ और हम यहाँ पे अब कुछ कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। अब जैसे ऐप्स की एक कर देता हूँ, एंटर किया मैंने ऐप्स लिख के, तो ऐप्स की कैटेगरी हमारे पास ऐड हो गई। सेम इस तरह से गेम्स की कर लेते हैं और अब इन दोनों कैटेगरीज के अंदर इनकी सब कैटेगरीज भी आ जाएंगी। अब जैसे गेम्स होती हैं, एक्शन गेम्स, पजल गेम्स, एडवेंचर गेम्स, स्पोर्ट्स, बस ये कुछ ऐप्स और गेम्स की आपकी जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो सब आपने ऐड कर देनी है। अब इन सारी कैटेगरीज को हमने अपने मेन्यू के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस में आता हूँ, मेन्यू के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अपने मेन्यू का नाम दे देता हूँ मेन मेन्यू और मैं नीचे अभी से असाइन कर दूंगा कि ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है, ऑफ कैनवस भी है। तो बस अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया। इस मेन्यू के अंदर अब हमें अपने पेजेस और कैटेगरीज डालनी है। तो मैं यहाँ पे पेजेस के सेक्शन के अंदर आऊँगा, व्यू ऑल करूँगा और इन सारे पेजेस को मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। अब इन पेजेस को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँगा। अबाउट के नीचे ये मैं चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पेजेस आएँ, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, पेजेस को बंद करते हैं और हम आते हैं कैटेगरीज के अंदर, व्यू ऑल। ये सारी कैटेगरीज मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ से ऐड टू मेन्यू, ये भी ऐड हो गई मेन्यू के अंदर। अब इनको हमें थोड़ा अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, ऊपर आएंगी गेम्स, ऐप्स और उसके नीचे गेम्स, कैजुअल, अब एक ऐप्स की कैटेगरी है तो ऐप्स के नीचे ये आ जाएगी, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव भी ऐप्स की कैटेगरी है तो ये इसके अंदर आ जाएगी, एंड पजल एक गेम की कैटेगरी है तो यहीं गेम के नीचे आ जाएगी। कॉन्टैक्ट एंड अबाउट के पेजेस हमें नीचे चाहिए तो मैं अब अबाउट को नीचे ड्रैग करता हूँ और सबसे नीचे ला के यहाँ पे रख दूंगा एंड इसी के नीचे कॉन्टैक्ट को। अब ये हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया अपने पेजेस को, अपने हिसाब से आपने कर लेना है। एंड यहाँ पे सेव मेन्यू। अब अगर वेबसाइट के ऊपर हम जाके देखते हैं तो हमारा मेन्यू सक्सेसफुली सेव हो गया। यहाँ से मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ न्यू टैब में एंड आप ये देखें, होम, एप्स, गेम्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब मुझे कुछ अपने इंपॉर्टेंट प्लगइन्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे आता हूँ प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू, और जो भी ज़रूरी प्लगइन्स हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट, तो मेरे पास अब कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। एंड अब मुझे कुछ और प्लगइन्स चाहिए जैसे क्लासिक विजेट का, तो मैं यहाँ पे क्लासिक सर्च करूँगा और मेरे सामने अब कुछ प्लगइन्स आएंगे, उनमें से मुझे इंस्टॉल करना है। तो क्लासिक एडिटर मुझे नहीं चाहिए, एडिटर तो मैं गुटेनबर्ग ही करूँगा। बाकी क्लासिक विजेट एक मुझे चाहिए, ये इंस्टॉल कर लिया मैंने। एंड एपीके के लिए आपको एक और प्लगइन चाहिए होता है, शॉर्ट कोड अल्टीमेट आप कर सकते हैं बटन्स वगैरह ऐड करने के लिए, या फिर अफिलिएट बूस्टर कर सकते हैं। अफिलिएट बूस्टर ये इसका फ्री वर्जन मैं फिलहाल इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप इसको बाय भी कर सकते हैं। ऐप सोमो के ऊपर इसकी लाइफ टाइम डील भी अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे, उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स थे हमारे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से प्लगइन्स के अंदर और ये जितने भी प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं इन सबको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे आता हूँ बल्क एक्शंस, एक्टिवेट एंड अप्लाई। अब ये सारे प्लगइन्स जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो एक्टिवेट भी हो गए। अब हम चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमाइज और कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन अब हम करते हैं। सबसे पहले जो मैं चीज करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे अपनी साइड बार बेहतर करनी है। यहाँ पे जो साइड बार है इसको अब कैसे चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा विजिट्स के अंदर और मेन साइड बार, और अब ये जो सारे ब्लॉक्स हैं इनको मैं इस तरह से ओपन करके एक एक को डिलीट कर दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। फर्स्ट मैं अब ऐड करता हूँ ऐड विजिट, मुझे एक विजिट चाहिए सर्च का, सर्च पे क्लिक करते हैं और एक सर्च का विजिट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन मुझे नीचे एक रीसेंट पोस्ट का चाहिए, वो मैं बाद में ऐड करूंगा, और बस इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ से वापस आते हैं हम। और एक और काम मुझे करना है, मैं यहाँ पे हेडर बिल्डर के अंदर आता हूँ एंड मैं यहाँ पे स्टिकी हेडर के अंदर आता हूँ और ये जो हेडर है मैं इसको स्टिक कर दूंगा ताकि जब स्क्रॉल करें तो हेडर हमारा ऊपर स्टिक रहे, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। स्टिकी हेडर, स्टिक अबव हेडर मैं कर दूंगा, स्टिक प्राइमरी हेडर भी कर दूंगा, ये श्रिंक इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए एंड बस। और अब मैं यहाँ से इसे पब्लिश कर देता हूँ। इतना काम हमने अब कर लिया है, अब हमें कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। तो अब देखिए हमारी साइट बिल्कुल खाली है, एक तो हमें लोगो भी ऐड करना है प्लस हमें कुछ पोस्ट पब्लिश करनी है ताकि हमारी साइट की एक लुक बन जाए। तो अब मैं यहाँ पे न्यू पे आऊँगा पोस्ट और मैं यहाँ पे अब कुछ टाइटल दूंगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपने अपना एमपी के आर्टिकल जैसे पब्लिश करना है वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपने लिंक्स वगैरह कैसे देना, वो सारी चीज़ें बाद की बात है, फिलहाल हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैं अब एक सैम्पल टाइटल दे देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे नीचे मेरी पोस्ट आएगी तो मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये अभी एक डमी कंटेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन मैं यहाँ पे पोस्ट में आता हूँ और सिंपल एक फीचर्ड इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ, सेलेक्ट फाइल, और मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं तो मैं उनमें से एक इमेज यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब आर्टिकल की फीचर्ड इमेज आपने ऐप का जो आइकन है वो देना है अगर आप एपीके के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप इस तरह की 1280x720 की इमेज तो नहीं देंगे, जो आपके ऐप का आइकन होगा वो आप देंगे एज फीचर्ड इमेज। अब यहाँ पे मैं इसे सेट कर देता हूँ एंड मैं अपनी पोस्ट को यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। इसी तरह से मैं चार और पोस्ट पब्लिश कर दूंगा, उसके बाद हम बात करते हैं ताकि हमारी साइट की एक लुक बन जाए। ओके, तो अब यहाँ पे देखें तो मैंने 5 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दिए हैं सिर्फ नॉर्मल आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं अगर साइट पे जाता हूँ तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे अपनी ब्लॉग पोस्ट शो हो रही है। अब मुझे इसको थोड़ा एक और लुक देना है ताकि ये एप्स की साइट लगे। अब ये तो एक नॉर्मल ब्लॉग लग रहा है और साइड बार में भी मुझे ये अपनी पोस्ट दिखानी है, 5-6 पोस्ट मेरी यहाँ पे साइड बार में भी आनी चाहिए, तब ये हमारा लुक जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब हम जाते हैं कस्टमाइज के अंदर। कस्टमाइज के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ और हम जाते हैं ब्लॉग आर्काइव। आर्काइव यानी एक कैटेगरी या एक जो स्टैटिक आर्काइव पेज होता है वो। ओके, तो अब जो मुझे कंटेनर लेआउट सेलेक्ट करना है वो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, फुल विड्थ कंटेंट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि सेम ये जो हमारी फुल विड्थ है यहाँ तक इसी को ये कवर करे पूरे नीचे हमारी ब्लॉग पोस्ट। तो ये हो गया, अब हम नीचे आते हैं साइड बार लेआउट, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करूंगा राइट साइड बार, दैट्स इट। अब नीचे आएंगे ब्लॉग लेआउट, ब्लॉग लेआउट हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करते हैं, लेआउट 3 जो है, यानी पहले हमारी फीचर्ड इमेज आएगी और उसके बाद कंटेंट, इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अब देखें ये लुक जो है वो हमारा अच्छा लग रहा है। ये ऐसे एक एक ऐप हमारा जब पब्लिश करेंगे एक ब्लॉग पोस्ट इस तरह से। उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा, बाकी यहाँ पे जो चीजें आपको शो रही हैं, लीव कमेंट, ब्लॉग और उसके बाद यूजर का जो ऑप्शन है इसको अगर आप हाइड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे अगर आप आएंगे पोस्ट स्ट्रक्चर फीचर्ड इमेज हाइड करेंगे तो ये हट जाएगी, टाइटल एंड ब्लॉग मेटा इसको आप हाइड कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। कमेंट्स आप अगर यहाँ से हाइड करेंगे तो अब आपकी पोस्ट के नीचे जो कमेंट का सेक्शन है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो अब देखिए कमेंट्स का जो सेक्शन है वो गायब हो गया, मुझे ये नहीं करना, मैं कमेंट्स को ऑन कर देता हूँ, कैटेगरीज को, ऑथर को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि जो यूजर नेम एक आ रहा है मेरा यहाँ पे वो ना आए। फिर नीचे आते हैं पोस्ट कंटेंट। अब पोस्ट कंटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कंटेंट शो हो रहा है ये काफी ज्यादा हो रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा हो ताकि हमारी जो पोस्ट है उनके अंदर ये जो गैप्स हैं ये खत्म हो जाए। तो अब ये 55 वर्ड्स शो कर रहा है, मैं कर देता हूँ 20 वर्ड्स ताकि सिर्फ 20 वर्ड्स शो करे, बाकी बंदा जो है वो पोस्ट में जाके ही पढ़ेगा ना, ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं रीड करेगा। तो अब ये देखें, उसके बाद यहाँ पे रीड मोर का जो बटन है इसको आप बटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलहाल ये टेक्स्ट है, आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो ये बटन हो जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे अब ठीक है और मुझे यहाँ पे कुछ कस्टमाइज नहीं करना। बाकी हम वापस जाते हैं और सिंगल पोस्ट में आता हूँ मैं। सिंगल पोस्ट में जो भी अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो वो कर सकते हैं, जैसे मैं अब यहाँ से किसी सिंगल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये है जी हमारी सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट का लेआउट आप कैसा रखना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ये लेआउट बॉक्स लेआउट सेलेक्ट किया। नीचे साइड बार आते हैं तो साइड बार, राइट साइड बार हम सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद नीचे आते हैं तो फीचर्ड इमेज जो है वो मैं सिंगल पोस्ट के अंदर हाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। यानी अगर कोई बंदा सिंगल पोस्ट मेरी पढ़ रहा है तो वो इस तरह से शो होगी जैसे अब यहाँ पे हो रही है, ताकि यहाँ पे हम डाउनलोड बटन दें और APK के जो आर्टिकल है वो हमारे इस तरह से शो हो, ना कि ऊपर एक टॉप में फीचर्ड इमेज इमेज, फिर नीचे आप बहुत सारी इमेजेस यूज करेंगे। बस आर्टिकल की भी सेटिंग होगी, सिंगल पोस्ट की मैं यही सेटिंग करना चाह रहा था। बस अब यहाँ से पब्लिश करते हैं और मैं आ जाता हूँ अब साइट आइडेंटिटी के अंदर, ताकि मैं यहाँ पे अपनी साइट का लोगो लगा सकूँ। तो साइट लोगो सेटिंग्स पे आते हैं और मैं यहाँ पे अब लोगो के सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट लोगो करूँगा एंड मैं यहाँ पे अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, लेट से मेरे पास यहाँ पे एक लोगो पड़ा है, इसी को लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देते हैं और ये हमारा लोगो जो है वो यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद इसी लोगो को मैं यहाँ से नीचे आने के बाद सेलेक्ट कर लूँगा और बस क्रॉप मुझे कुछ नहीं करना है, इसको फुली मैं रखूँगा और क्रॉप कर देंगे। जैसे ही क्रॉप करेंगे तो अब यहाँ पे देखें हमारा लोगो शो हो रहा है, बाकी ये टाइटल भी साथ में साइट का शो हो रहा है। तो इसे हाइड करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे और डिस्प्ले साइट टाइटल को ऑफ कर देंगे। तो अब ये ख़त्म हो गया, लोगो थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको यहाँ पे लोगो विड्थ को आप डिक्रीज करेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। इतना मैं चाह रहा हूँ कि इतना आए, ये ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं साइट आइकन, इस पर क्लिक करते हैं साइट आइकन एंड यहाँ पे अपलोड फाइल, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल। तो यहाँ पे मेरे पास एक आइकन भी पड़ा है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इस आइकन को भी मैं यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये हो गया, हमारा आइकन भी जो है वो टॉप में लग गया। ये आइकन होता है जो यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होता है। अब पब्लिश करते हैं, लोगो भी लग गया, पोस्ट भी हमने पब्लिश कर ली। अब साइट का लुक देखते हैं कैसा लग रहा है। तो मैं इस साइट को ओपन करता हूँ, अब देखें साइट का जो लेआउट है वो बनना स्टार्ट हो चुका है और जो स्टिकी हेडर हमने किया था वो क्या इफेक्ट दे रहा है। जैसे मैं नीचे आता हूँ तो देखें हेडर हमारा वहीं पे स्टिक रह रहा है और लोगो भी टॉप में शो हो रहा है, बस पोस्ट जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन हो रही है। अब एक और चीज़, मैं अपनी साइड बार में ये अपनी कुछ पोस्ट दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। वो कैसे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्लगइन्स में, ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक प्लगइन सर्च करूँगा, रीसेंट पोस्ट। ये एक मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मुझे एक प्लगइन मिल जाएगा। ये वाला जो प्लगइन है ये आपने इंस्टॉल करना है, 2 लाख से ज़्यादा इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। रीसेंट पोस्ट विजिट विद थंबनेल, ये थंबनेल्स के साथ रीसेंट पोस्ट का विजिट बनाता है जो कि बड़ा ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करता हूँ और यहाँ से कर देते हैं एक्टिवेट, ये हो जाएगा एक्टिवेट। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर और मैं आ जाऊँगा विजिट्स के अंदर। विजिट्स के अंदर आने के बाद साइड बार में अब ये मुझे विजिट चाहिए, तो नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखें जैसे ही प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया तो ये मेरे पास विजिट यहाँ पे अवेलेबल हो गया, रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल। इस पे क्लिक करते हैं, मेन साइड बार ही मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऐड विजिट। अब ये साइड बार में सर्च वाले विजिट के नीचे ऐड हो चुका है। 5 पोस्ट मैं साइड बार के अंदर शो करना चाह रहा हूँ। ओपन लिंक से न्यू टैब, न्यू टैब में ओपन होंगी और बस मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से कर दूंगा इसे सेव। सेव हो गया। अब मैं साइट पे आता हूँ और देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ पे पोस्ट थंबनेल के साथ यहाँ पे शो हो रही है राइट साइड बार के अंदर। ओके, तो अब साइट हो चुकी है डिज़ाइन। ये नीचे कॉपीराइट का अगर आपने चेंज करना है, आपने अपनी साइट का यहाँ पे नाम और लिंक देना है तो वो कैसे दे सकते हैं, आप आ जाएंगे कस्टमाइज के अंदर। कस्टमाइज के अंदर आने के बाद यहीं पे आप नीचे आएंगे और देखेंगे कि इसका एडिट सेक्शन कहाँ है। इसके ऊपर हवर करेंगे तो यहाँ पे एडिट का बटन आ जाएगा, उसी पे क्लिक करें तो आप डायरेक्टली उसी सेक्शन के अंदर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसको हटा सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो लिख सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम ही है नवीद हसन, तो मैं यही लिख दूंगा। आपने अपनी साइट का नाम लिखना है और मैं आगे ये वाला आइकन देकर और मैं लिख देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये हो गया और मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, दैट्स इट। अब कॉपी राइट्स भी हमने ऐड कर दिया, मेन्यू हमारा यहाँ पर रेडी है, ऐप्स का, गेम्स का, ब्लॉग का, वेबसाइट जो है वो आर्टिकल पब्लिशिंग के लिए तैयार है। अब मैं अपनी साइट के ऊपर जाता हूँ, ये लें जी ऐसी दिख रही है अब साइट, नीचे कॉपीराइट्स भी हमने दे दिए हैं। बस अब हम आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। अब एक काम आपका और रहता है, आपने एक SEO प्लगइन को कॉन्फ़िगर कर लेना है। वो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं रैंक मैथ की या योस्ट SEO की, जो भी आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हैं। अब मुझे आपको बताना है कि डाउनलोड लिंक्स कैसे देंगे। अब आपको याद होगा हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था अफिलिएट बूस्टर का। अब फॉर एग्जांपल ये है आपकी पोस्ट, APK की पोस्ट, और इसको मैं यहाँ से एडिट पोस्ट करता हूँ और ये हमारी पोस्ट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना बटन देना चाहता हूँ अपनी APK फाइल का, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक स्पेस बनाऊँगा, नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे /AB लिखूँगा तो अफिलिएट बूस्टर के सारे जो ब्लॉक्स हैं वो मेरे सामने आ गए। मुझे यहाँ पे बटन चाहिए तो मैं बटन ऐड कर देता हूँ।
अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ डाउनलोड APK फाइल, ये मैंने लिख दिया। अब इस बटन को मुझे सेंटर करना है, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में आऊंगा, ब्लॉक सेटिंग्स के अंदर बटन सेटिंग्स में आऊंगा और नीचे ओपन लिंक की न्यू टैब भी कर लेता हूँ और इसको मैं जो अलाइनमेंट है इसकी वो सेंटर करूंगा। तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट सेंटर, यहाँ पे ये अब APK फाइल का हमारा बटन लग गया। अब इस बटन के अंदर हम अपने डाउनलोड पेज का लिंक देंगे और उस डाउनलोड पेज के ऊपर होगा हमारी फाइल का लिंक। इस कन्फ्यूजन को मैं अभी दूर करता हूँ। हम यहाँ पे वर्डप्रेस में आएंगे, वर्डप्रेस को मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पेज में आऊंगा ऐड न्यू। जिस पोस्ट का आप डाउनलोड पेज बनाना चाह रहे हैं, जब भी आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करेंगे APK के ऊपर, साथ आपने एक उसका स्टैटिक पेज भी बनाना है, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। जैसे ये मेरा आर्टिकल था काइन मास्टर APK और मैं यहाँ पे डाउनलोड लिख देता हूँ। अब ये एक हमारा पेज बन जाएगा। यहाँ पे मैं डाउनलोड लिंक्स दूंगा, थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे कंटेंट पेस्ट करता हूँ और इस कंटेंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड लिंक होगा। तो मैं यहाँ पे /AB लिखता हूँ और मैं यहाँ पे बटन का एक और ब्लॉक ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टू डाउनलोड APK फाइल। लेट्स से हमने यहाँ पे एक बटन डाल दिया, इस बटन को सेलेक्ट करते हैं राइट हैंड साइड में जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बटन सेटिंग्स में आते हैं और उसके बाद यहाँ पे अब उस फाइल का हम लिंक देंगे और बाकी इसकी यहाँ पे अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ और बस अब मुझे यहाँ पे इसे नो इंडेक्स में पब्लिश करना है। तो अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें नो इंडेक्स का ऑप्शन होता है, आपने नो इंडेक्स करके उसे पब्लिश कर लेना है। इस पेज को मैंने पब्लिश किया, अब ये डाउनलोड पेज का लिंक हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, अब ये पेज हमारा बन गया। वापस आते हैं अपनी पोस्ट के अंदर और जो मैंने यहाँ पे बटन दिया था उसमें मैं क्लिक करता हूँ, बटन सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पे बटन में लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमने बटन डाल दिया। अब पोस्ट से हमारा जाएगा यूजर पेज के ऊपर और पेज पे वहां पे जाके डाउनलोड करेगा। तो मैं अब इसे पब्लिश करता हूँ और ये पोस्ट हो चुकी है पब्लिश। इसे यहाँ पे आने के बाद व्यू पोस्ट करते हैं, तो मैं अब पोस्ट को देख सकता हूँ। जैसे यूजर यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे एक बटन है डाउनलोड APK फाइल, इस पे वो क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे इस डाउनलोड पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें तो डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो उसके पास फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, या फिर आप टाइमर भी लगा सकते हैं। टाइमर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि टाइमर आप कैसे दे सकते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 जैसे होगा तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अब इस बटन के अंदर पेज के ऊपर हमने अपनी फाइल का लिंक देना है। अब जैसे काइन मास्टर की हम APK प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काइन मास्टर। काइन मास्टर मैंने गूगल किया और APK भी लिख देते हैं साथ में और बस APK फॉर एंड्रॉयड, APK प्योर से फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड करता हूँ इसे। यहाँ पे फ्री डाउनलोड विद APK प्योर, इस पे मैंने क्लिक किया और ये डाउनलोड मेरी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे डेस्कटॉप के ऊपर काइन मास्टर की APK डाउनलोड हो गई है। अब ये है जी काइन मास्टर की APK। इसमें मैं जो APK प्योर का नाम है वो यहाँ से हटा ही देता हूँ और यहाँ तक मैं रखूंगा। अब इस फाइल को मुझे होस्ट करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था आप इसे गूगल ड्राइव में कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी होस्टिंग के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। अब एक काम तो आप कर सकते हैं कि मीडिया फायर में जाएं और मीडिया फायर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और वहां पे आप अपनी इस फाइल को अपलोड करें और वहां से उसका लिंक कॉपी करके इस बटन में दे दें। ये है मेरे पास मीडिया फायर। अब आप यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपको 10 GB फ्री मिल जाएगा। मैं फिलहाल अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपलोड और मैं यहाँ से सेलेक्ट फाइल, अपनी इसी APK फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ये मेरे पास अपलोड हो गई। बिगन अपलोड, दैट्स इट, ये अपलोड भी कंप्लीट हो गई। मैं इसका यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ और अब ये लिंक मुझे अपने डाउनलोड पेज के अंदर देना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आता हूँ, मैं यहाँ पे पेजेस में आता हूँ और मैंने जो अपना एक डाउनलोड पेज बनाया था यहाँ पे, इस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अब वो लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा। इस बटन पे क्लिक करते हैं, राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ और बटन URL में मैं अपनी उस फाइल का लिंक दे दूंगा और अब यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ। अब हम टेस्ट करते हैं अपनी उस पोस्ट को कि कैसे ये काम कर रहा है। तो मैं अब अपनी साइट के ऊपर यहाँ पे जाता हूँ और अब हम अपनी उस पोस्ट को, लेट्स से ये हमारी APK की पोस्ट है, इसमें आएगा यूज़र, वो यहाँ पे डाउनलोड APK फाइल पे क्लिक करेगा और पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लिक टू डाउनलोड। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें डायरेक्टली मेरे सिस्टम के ऊपर वो मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब देखें ये डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं मीडिया फायर का प्रीमियम प्लान यूज़ कर रहा हूँ तभी मुझे डायरेक्ट लिंक मिला है। अगर आप फ्री प्लान यूज़ करेंगे तो वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। तो या तो आप अपनी होस्टिंग में अपनी फाइल को होस्ट करें या फिर मीडिया फायर का $7 पर मंथ का प्लान जो है वो आप बाय करें। तो अब ये है हमारी APK वेबसाइट जो कि तैयार हो चुकी है।
आप इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किए जा सकते हैं। ओके, तो सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हमने साइट को बनाया, डिज़ाइन किया, उसमें सारे जो आर्टिकल्स की सेटिंग्स की, और एंड मैंने आपको बताया कि डाउनलोड लिंक्स आप कैसे दे सकते हैं। बाकी एड्स लगाने के ऊपर मेरी अलग और भी वीडियो है कि एपी के साइट के ऊपर आप या किसी भी साइट के ऊपर एड कैसे प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ब्लॉगिंग को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मेरी ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। और अगर आपको साइट फ्री में चाहिए और आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ड्रीम होस्ट की होस्टिंग बाय करें, इस लिंक को यूज करते हुए। ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा ताकि हम आपको ट्रैक कर सकें। ये हमारा रेफरल लिंक है तो हमें थोड़ा कमीशन मिलेगा, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। और इन रिटर्न आपको थीम मिल जाएगा फ्री में, जो कि प्रीमियम थीम है, $250 का है भाईजान, एक्स्ट्रा थीम और या फिर जनरेट प्रेस थीम। और कंप्लीट हम आपको उसे कस्टमाइज करके एक साइट सेटअप करके देंगे अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं ड्रीम होस्ट की। तो अगर आप न्यू है, स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी जाएं स्टार्ट करें, या फिर आप इस वीडियो को देख के अपनी साइट खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मैं गाइड आपको देना चाहता था कि आप एपी के वेबसाइट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, हमारी बड़ी अच्छी वहां पे कम्युनिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।